आप बहुत अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं, बहुत हमने माहौल पाकिस्तान टीम का ऐसा देखा है कि छः छः कैप्टन्स खेल रहे हैं और हर कैप्टन की एक अपनी वो बनी हुई है, एक लीग बनी हुई है, एक लॉबी बनी हुई है, आपस में फ्रिक्शन दिखी है प्लेयर्स के दरमियान। बट ये जो यंगर लॉट है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इस वक्त ये विजिबल है इस यंगर लॉट में कि ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे में वो जेलेसी फैक्टर नहीं दिखता इस टीम में? डू यू थिंक कि ये हमें एज आउटसाइडर्स बैठ के ये सही दिख रहा है? अब देखिए सवेरा होता ही है कि मतलब जो हम जब बात करते हैं पाकिस्तान टीम के पास्ट की, तो कीप वन थिंग इन माइंड कि वो जो प्लेयर्स जब वो फ्रिक्शन होते थे प्लेयर्स के दरमियान, कप्तानी के ऊपर लड़ाई झगड़े होते थे, ये सारी चीज़ें होती थी, इंट्रीग्स होती थी, ड्रेसिंग रूम इंट्रीग्स होती थी, तो यू नो दोज प्लेयर्स वर ऑफ अ डिफरेंट क्लास टोटली। मतलब अब जावेद मियाँ या वसीम अकरम या वकार यूनुस, इमरान खान, ये मतलब ये बहुत बड़े प्लेयर्स थे यार, ये बिल्कुल सलीम मलिक वगैरह, दे वर टोटली ऑफ अ डिफरेंट क्लास। तो वो जाहिर सी बात है वो चीज़ अभी नहीं है। जाहिर सी बात है कि अभी जो प्लेयर्स हैं अभी वो उस लेवल पे नहीं आए। वी डोंट हैव अ जावेद मियाँ, वी डोंट हैव अ वसीम अकरम, भी उस लेवल पे नहीं आए। तो ये प्लेयर दूसरा यंग है, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं पिछले दो तीन साल से, रेगुलरली एक ग्रुप बना हुआ है पूरा, तो इसलिए हमें ज़्यादा इनके अंदर यूनिटी नज़र आती है और ज़्यादा हमें इनके अंदर वो मतलब प्यार मोहब्बत हमें नज़र आती है। लेकिन आई फील के ह्यूमन नेचर है, अब जबकि रिजवान ने बहुत अच्छा किया है वाइट बॉल में, शाहीन है ऑल ऑफ अ सडन इमर्ज्ड एज अ वेरी सरप्राइज कैंडिडेट, तो आई होप ऐसा ना हो, लेकिन पीसीबी शुड हैंडल दिस मच बेटर नाउ। और वही वाली बात है कि पीसीबी के हाथ में है सारा, रमीज जितना अच्छा हैंडल करेगा चीज़ों को, कम्युनिकेशन लाइंस ओपन रखेगा, उतना अच्छा होगा। लेकिन यस, इट वाज डेफिनेटली मतलब जिस तरह कल रिजवान और शाहीन ने किसी को गले लगाया, बहुत अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम यू नो यू कैन नेवर फाइट विद ह्यूमन नेचर, तो द पीसीबी शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ दिस एंड शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस कि कोई ऐसी चीज़ कभी होने ना दे कि जिससे कि ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट ख़राब हो। अदरवाइज दिस ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स आर डूइंग वेरी वेल, दे हैव रियली मतलब दे आर इम्प्रूविंग डे बाई डे, और मज़ा आ रहा है इनको देख के खेल के, क्योंकि अब बड़ा कॉन्फिडेंस है यार इन प्लेयर्स में, चाहे रिजवान हो, चाहे वो शाहीन शाह आफरीदी हो, चाहे वो बाबर हो, मतलब। और फिर दूसरा PSL इतना कामयाब किया सवेरा के, आज जैसे रमीज ने बताया कि तकरीबन 900 मिलियन यानी कि 9 करोड़ रुपये पर फ्रेंचाइज, ईच फ्रेंचाइज विल गेट 9 करोड़ फ्रॉम द पाकिस्तान बोर्ड एज द शेयर फ्रॉम द PSL 7। तो यानी ये बहुत बड़ी बात है यार, इतना बड़ा क्राउड आना, इतना सक्सेसफुल स्मूथली होस्ट हो जाना PSL, और फिर इतना पैसा मिलना फ्रेंचाइजेस को, आई थिंक दे डिजर्व मोर। बट ठीक है यार, 9 करोड़ भी अगर 900 मिलियन है वहीद साहब, तो 90 करोड़ हो गया है, वो तो 90 करोड़ इज अ डीसेंट अमाउंट तो नहीं होगा। नहीं, पर 900 मिलियन है, अगर 90 मिलियन है, अगर 90 मिलियन है तो फिर 9 करोड़ हो गया, 900 मिलियन 90 करोड़, तो मेरा ये ख्याल है कि जी एम्बिग्यूटी को हम यहाँ पे रोकते हैं।